नमस्कार, कॉफी विद एंटरप्रेन्योर में आई एम वंदना अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल इन दिस शो। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टैगलाइन यही है कि टाटा बिरला अंबानी, इनकी कहानी सबने है जानी, पर अब आपकी कहानी हमें लोगों को है बतानी। हमें बहुत सारे फोन आए, हमें लोग बोलने लगे कि भैया आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को दिखाया, वी वॉन्ट टू मीट सम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एज इंडिया में अभी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर की कमी है, वी वॉन्ट टू गेट मोटिवेट। ऐसी कड़ी में हमने सोचा क्यों ना, बहुत सारे लोग कारण बोलते हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स कहती हैं भैया आपके लिए अच्छा है, हम तो पल्ला देके चलते थे, हम कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, हमारे ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ करने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? चलिए आज हम आपको मिलाते हैं ममता बेनानी से। आज ममता बेनानी जी, हेलो ममता बेनानी जी, एंड कॉफी विद एंटरप्रेन्योर में भी वेलकम यू ऑल सो मच। तो शी इज प्रेसिडेंट ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम ऑफ वेस्ट बंगाल, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन अफ्रीकन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ईस्टर्न इंडिया, ये पास्ट प्रेसिडेंट भी रही हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की। सबसे पहले आपकी जर्नी सुनाइए, शायद बहुत सारे लोग को पता चले कैसे ममता बेनानी, सीएस ममता बेनानी प्रेसिडेंट बनी हुई हैं, इतने सारी जगह का कुछ चला रही है, जहाँ लोग बोलते थे पढ़े लिखे लोग भी, जब हमने इनसे डिस्कस किया वहां पे भी पॉलिटिक्स चलती है कि नहीं फीमेल को आगे नहीं बढ़ने देना है। यू कैन सी अ इंडियन अटायर, यू कैन सी हर इन बिंदी, यू कैन सी हर इन नोज प्रिंट, इसमें आप प्रेसिडेंट। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड योर लाइफ स्टार्टेड? वंदना जी, माय लाइफ स्टार्टेड विद आई विल नॉट से स्ट्रगल्स, पर मुझे हमेशा एक एक बग जो हमेशा मुझे काट के रखता था कि मैं एक ऐसी वुमेन थी या गर्ल थी उस समय, जो हमेशा सोचती थी कि मेरी जिंदगी एक ओब्लिवियन में ना चली जाए। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं, मेरी अपनी एक पहचान बने, आई शुड ऑल्सो बी नोन एज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, एंड मेरी कोई एक काम से मेरी अपनी पहचान बनी। इतने क्लियर शब्दों से मैं आज आपको बता पा रही हूँ, हो सकता है जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की उतनी क्लैरिटी मेरे दिमाग में शायद ही उस समय होगी, क्योंकि आज के बच्चे तो इतने एक्सपोज्ड होते हैं मोबाइल, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। हम तो 20-22 तक भी, मुझे याद है बंगाली में कहते कुमीर डांगा, मुझे याद है हम लोग उस समय भी कुमीर डांगा खेलते थे। तो खेल खेल में ही पता नहीं ये सपना कब मैंने अपने अंदर संजो लिया कि मुझे कुछ ना कुछ तो बनना है। तो शादी हो गई, 22 साल की एज में आपकी शादी हो गई। ओके। और उस समय लगा कि चलो अच्छा है, पढ़ाई से छुट्टी हो गई। बहुत ज्यादा पढ़ती थी। यू वर एज अ स्टूडेंट? बहुत ज्यादा, मतलब मम्मी कहती थी कि अब तो किताब छोड़ दो। और मेरे रूम में दो ही कमरे थे, तो एक कमरे में मेरा ही किताब हमेशा फैला रहता था, तो मम्मी बोलती थी जब देखो इसका किताब ही फैला रहता है। आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ स्टडिंग रीडिंग। तो फिर जब शादी हुई तो लगा चलो एक बार तो पिंडा छूटा, पढ़ना तो अपने ही पड़ेगा। क्या पता था कि शायद भगवान जी तो मेरे फेट में कुछ और ही लिखकर रखे हैं। फेट में कुछ भी लिखा हो, अगर सही मायने में सच में कहूं तो शायद सही कहते हैं बड़े लोग कि तकदीर तो आप अपना खुद ही बनाते हो। मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि यूनिवर्स की कॉलिंग है मेरे लिए कि तुम कुछ करो, तुम आगे बढ़ो। तो मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो मैंने इंस्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस, मैं ऑड्स वर्ड यूज करना पसंद नहीं करती हूँ, बट इंस्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस आई फेल्ट कि वो चैलेंजेस ही ऐसे थे जो मुझे ताकत दे रहे थे कि ये नहीं कर सकते हो, तो मुझे लगता था अब तो करके दिखाना है। लिविंग इन अ मारवाड़ी फैमिली, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी एक बार, शादी के बाद बोलते हैं कि आपका लाइफ एंड हो गया, ये वर्ड होता है कि आप बच्चा घर संभालो बस,
लेकिन एक बात खास जो बात करने पे पता चला, आपने अपने इंटरमीडिएट सीएस आपने एग्जाम जो दिया था, आपने शादी के पहले वो एग्जाम दे दिया, एंड देन हाउ इट वेंट ऑन कैन यू टेल मी? एक लाइफ में जितनी भी परेशानियां होती हैं, शायद मुझे ऐसा बोलने में कहीं जाता, आई डोंट नो हाउ टू शेयर, बट मैंने सारे ही मुसीबतों से मैं निकली हूँ. हर इंसान की कहानी होती है. हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि वंदना जी को भी हम देख के शायद ऐसा सोचेंगे, शी इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, शी इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, इन्हें तो शायद सब कुछ परोसा हुआ मिल गया. बट मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो आपको कोई सक्सेस स्टोरी दिखती है उसके पीछे बहुत कुछ जाता है. मैं अपनी स्टोरी ये कहना चाहूंगी आपके सामने कि एज अ साड़ी क्लैड वुमन विद अ बिंदी, विद अ चूड़ी, पल्लू, फैमिली फंक्शंस में भी ध्यान रखा जाता था कि भाई हमें अपने अपने परिवार की जो परंपरा है वो ध्यान रखनी चाहिए, ऑफिस में भी वो ध्यान रखनी पड़ती थी, और मैंने वो सबको बहुत सहजता से सबको फॉलो किया. तो नंबर वन लेसन दैट आई रियली वांट टू गिव वंदना जी कि आपको अपने अंदर एक सहजता लानी होगी. जब हम कोई चीज सोच ले या ठान ले कि ये तो मेरे साथ होना है, तो क्यों ना हम उसमें अपनी एंजॉयमेंट ढूंढ ले. और ये पॉसिबल है, और ये सिर्फ एक ही तरह से पॉसिबल है, जब अपने माइंड को आप उस हिसाब से अट्यून कर ले, आप अपने माइंड को उस हिसाब से कंडीशन कर ले कि ये तो होना ही है, अब इसमें मुझे सिल्वर लाइनिंग कहाँ ढूंढनी है. बिलीव करिए, ट्रबल शुरू में वंदना जी बोल रही थी, अंबानी और अदानी जी के लिए बोल रही थी, देयर आर फ्यू नेम्स बाय व्हिच शी इज सेइंग कि उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ा. वो भी स्ट्रगल करके आज जहाँ है वहां है. और मैं तो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं लॉयर हूँ, मेरे तो काम ही कॉर्पोरेट्स में होते हैं, मैं कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस करती हूँ. तो आपको जो दिखते हैं ना कि इतने बड़े बड़े इंसान है, आदमी है, इस ओहदे पे पहुंच चुके हैं, उन्हें तो बल्कि और डिफिकल्टी है उस ओहदे को मेंटेन करके रखना. तो देयरफॉर सक्सेस वंदना जी इजी नहीं आता है, और मेरे लिए या इनके लिए आपके लिए भी नहीं आएगा. अगर आज आप ये ठान लें कि मारवाड़ी फैमिली हो या एक साड़ी क्लैड वुमन हो, आपको चाहिए क्या अपने लिए? ममता जी ने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत इंस्पिरेशन, लेकिन असली इंस्पिरेशन when we would love to hear your story, because कहीं ना कहीं I am very excited to share your story. कि 22 साल की एज में शादी होने के बाद you went to a traditional family, जहाँ पे from nuclear family to traditional family, joint family. So it's really very hard कि आप एक न्यूक्लियर फैमिली से जाके एंड बड़ा बाजार जैसे जगह पे रहते थे, तो वहां से फिर आप पढ़ने के लिए आप आगे आए. मेरे को ये वाली स्टोरी लोगों को सुननी है ताकि और भी लोग इंस्पायर हो, क्योंकि लोग जब देखते हैं किसी को कुछ ऐसा फॉलो करते हैं वो ज्यादा फॉलो करते हैं. तो आप उसके बारे में बताइए, जर्नी के बारे में. जरूर, मेरी जर्नी में एक चीज जो कायम रखा मैंने वंदना जी, वो ये है कि मैंने हमेशा बिलीव किया कि जो भी आपको करना है फैमिली को ध्यान में रखते हुए करना. तो मैंने भी यही किया, मैंने फैमिली को कभी भी मैंने उसको इंटीग्रल पार्ट ट्रीट किया. तो आई थिंक मेरी एक जो जर्नी आप देख रहे हैं सक्सेस या जो भी आप उसको डिफाइन करना चाहें, मैं सच में कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैंने अगर मुझे कहा गया कि भाई काम, या समझाया गया कि काम करके ही तुम्हें जाना है ऑफिस, तो हम इंश्योर किए कि सुबह 4 बजे उठना पड़े या 3 बजे या 3:30 बजे या 4:30 बजे करके आप अपनी ऑफिस की ड्यूटी लगाइए. तो उस समय ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि क्यों भाई क्यों मेड रख लीजिए, बहुत सारे साधने हैं, साधन की तो कोई कमी नहीं है. लेकिन शायद ये जो चैलेंजेस मेरे सामने आई, मेट्रो में जाती थी, इतनी भीड़ रहती थी, उसमें लगता था एजुकेशन टाइम यू आर टेलिंग अबाउट. शुरू में जब ऑफिस मैंने ज्वाइन किया, शादी के बाद क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया जिसके बाद दे गॉट एनकरेज? थैंक यू सो मच. मैं थोड़ा ह्यूमिलिटी के कारण नहीं बताना चाह रही थी, बट मैं ऑल इंडिया टॉपर आई. शादी के बाद जब रिजल्ट्स निकले तो ऐसे पहले लगता था कि शायद पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी या जो भी, बट शादी के बाद जब रिजल्ट्स आए तो मैं ऑल इंडिया टॉपर बनी इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ सीएस का. तब मुझे भी ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे तो काफ़ी कुछ करना चाहिए. ये टैलेंट को मेरे हस्बैंड ने बहुत बखूबी पहचाना, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से उन्होंने बात की, बहुत बड़े जॉइंट फैमिली में हम उस समय रहते थे, काका बाबा और शायद सबसे उन्होंने बात की होगी. तो मुझे परमिशन मिला कि मैं आगे पढ़ूं. आगे बढ़े. हाँ, आगे पढ़ूं.
तो मैंने फिर वो परमिशन को मतलब एक मिनट में लूट लिया, यू नो, मैंने उसको वेटिंग फॉर दैट, आई वाज वेटिंग, और मैंने फिर एक बार भी सोचा नहीं था कैसे हो पाएगा, इतना करके घर का काम मैं कैसे जाऊंगी, मैंने सोचा बस मुझे ये मिल गई ना, यू वांटेड, बाकी तो हाँ बाकी तो मैं सब कर लूंगी। जब आप सीएस बन गए, ठीक है, यू वर अ टॉपर देयर आल्सो, एवरीबॉडी वाज प्राउड, तो उसके बाद आप घर में बैठे कि फिर आपने जॉब किया, क्योंकि यू आर बिलोंगिंग टू अ वेरी गुड फैमिली, एंड एज वी हर्ड कि आपके जो हस्बैंड है सुमित जी, हाँ, वो काफी सीए सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट, तो फिर आपके आगे का सफर, यू वुड हैव जॉइंड दिस कंपनी, फिर आगे का सफर आपने कैसे किया, वी वांट अ क्लियर थिंग, क्लियर पिक्चर। मैं एक्चुअली अपनी पहचान बनाने की शायद मेरे अंदर बहुत एक आग थी और वो आग बहुत तीव्र थी, तो जब मैं ऑल इंडिया टॉपर बनी तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए फॉर इंक्लूडिंग हिंदुस्तान लीवर, आई डोंट माइंड पुटिंग द नेम इन कैमरा बिकॉज़ आई हैव द रिकॉर्ड्स आल्सो, तो बहुत, बिकॉज़ उस समय रिजल्ट्स बहुत ही कम अच्छे, इतने अच्छे अच्छे लोग, मतलब इतने लोग पास नहीं होते थे, तो व्हेन आई गॉट द ऑफर्स तो यही कहा गया जॉब ज्वाइन करो, इतना अच्छा ऑफर्स आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे तो अपनी पहचान बनानी है, मुझे तो अपनी ही पहचान बनानी है, और मैंने कहा मैं तो प्रैक्टिस करूंगी, और उन दिनों में ये 1997 की बात है, उन दिनों में प्रैक्टिस का, सीएस का प्रैक्टिस, सीए की तो प्रैक्टिस होती थी, सीएस की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, इतनी ज्यादा सुनने में नहीं आता था, फिर भी मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस की, एंड देखिए अपने बलबूते पे तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है, परिवार बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और मैं कहना चाहती हूँ कि आप जब बहुत लोग साथ रहते हैं, चार बर्तन भी साथ रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत आवाज और शब्द तो हो गई, लेकिन हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार ये जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा चाहे कैसी भी परिस्थिति और स्थिति का क्यों ना, और मैं इस चीज को बहुत कद्र करती हूँ। मैंने उसी सिचुएशन में अपने आप को ढाल के और काफी खुशी से अपनी प्रैक्टिस चालू की, मुझे बहुत तकलीफें आई, बहुत बहुत बहुत, कहते हैं जैसे आप फॉरेस्ट से चल रहे हैं, आपके दस स्नेक्स आ रहे हैं। Where do you started with that one table? मैं आपको क्या बताऊं, कलकत्ता में केसल है, राजबाड़ी, yes. बड़ा बाजार, बड़ा बाजार, हाँ, हाँ. तो मैं रहती थी पहले 291 रविंद्र सिंह में, okay. हम सबके साथ रहती थी, आई एम टेकिंग प्राइड इन सेइंग दैट, वहां से मैं जाती थी केसल, राजबाड़ी, आज राजबाड़ी कोई जानता भी नहीं होगा, एब्सोल्यूट टिपिकली बड़ा बाजार में है वो राजबाड़ी, और एक छोटे से टेबल स्पेस पे मेरे को जगह दी गई थी, कोई पहचान से मैं गई, क्योंकि उससे मैं परिवार को लगा रहे कैसे एक्सपोज कर दे, बहू है कैसे जाएगी कहाँ करेगी, तो पापा के फादर इन लॉ के कोई रिलेशनशिप में थे, वो एडवोकेट थे, तो मैं वहां जाना शुरू करी, फिर बच्चे हुए, फैमिली वे में गई, मैंने हमेशा विश्वास रखा कि जब जो लाइफ में आएगा उसे मैंने अच्छे से मुझे निभाना है, तो उन वर्षों में जब मैं अपने फैमिली को ज्यादा मुझे टाइम देना पड़ा, तो मैंने अपनी पढ़ाई की, मैंने ट्यूशंस लिए, मैंने एग्जामिनेशन पेपर साइन करना चालू किया, मैं एक लॉ कॉलेज में सुबह जाके लेक्चर देने लग गई, जिससे कि मेरी मेरी हमेशा एक चर्चा बनी रहे पढ़ाई के साथ, मेरे सब्जेक्ट के साथ, तो आप जैसा कह रहे थे, तो मैं राजबाड़ी जाने लगी, फिर मेरा बेटा हुआ, आई लॉस्ट माय सन, एंड दैट टाइम यू वर इन दैट टाइम मैं एकदम मेरे मैं हाइपरटेंशन में चली गई, हाइपरटेंसिव पेशेंट बन गई एक्चुअली, और एकदम से एक डिप्रेशन में चली गई। वंदना जी वो तो भी सोच के मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे समझाया कम आउट, ऐसे कैसे चलेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, खाली रोना ही रोना आता था, बिकॉज ही डाइड आफ्टर हिज बर्थ, ऐसा नहीं था कि आई कुड सी हिम एंड एवरीथिंग। फिर मैंने यही सोचा, मैंने अपने आप को यही समझाया, एक साल लगा शायद मुझे पूरी तरह से निकलने के लिए, बट मैंने खुद को उस चीज से निकाला, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो बहुत ही इनजस्टिस कर रही हूँ मैं अपने ह्यूमन बीइंग लाइफ के साथ और पूरे फैमिली के साथ, तो आपको हमेशा खुद को ही अपने आप से लड़ना पड़ता है, और कोई आपको रोकता नहीं है, आप खुद ही अपने आप को रोकते हैं और कोई आपको रोक नहीं सकता। तो उसके बाद फिर मैं अपने आप को लाइफ में वापस लाई, फिर मेरी बेटी हुई 2000 में, उसके बाद मैंने पूरा एक साल कुछ नहीं किया, फिर मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, क्वेश्चन पेपर साइन किया, मतलब टेस्ट पेपर्स साइन नहीं, आई मीन करेक्ट किया, फिर मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाने लग गई, मैं सीएस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग गई, दैट वाज अ पार्ट टाइम, पार्ट टाइम बस वो दो दो घंटा, जिससे कि जब वो सो रही है या जब है तो फिर मैं घर आ जाती थी, तो एक साल आई डिड दैट, सो दैट मेरा यू वांटेड इट, यू डिड इट, हाँ, ओके, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वो कान में आवाज गूंजती है कभी कभी कि क्यों जा रहे हैं, और आप कभी कभी गिल्ट फील करने लगते हो, आपकी जो गिल्ट फीलिंग आपको बहुत
भारी बना देते आपके कदमों को, राइट। यदि आप बच्चे को छोड़ के तो नहीं, अब मैंने सोचा 2 घंटा चलो ठीक है बस। फिर 1 साल बाद जब वो बड़ी हो गई तो आई स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग सपोर्ट सिस्टम्स, फिर मैं धीरे धीरे 4 घंटा करी उसको, फिर वो थोड़ी सी और बड़ी हो गई तो मैंने 6 घंटा किया, फिर थोड़ी और बड़ी हो गई तो फुल टाइम कर लिया, राइट। सो दैट्स हाउ। ओके, इसके बाद आपको बता दूं, इन्होंने एक ऑफिस स्पेस लिया वापस से, दैट वाज इन कॉमर्स बिल्डिंग, कॉमर्स हाउस। कॉमर्स हाउस में भी एक टेबल स्पेस लिया जिसमें आप खाली बैठ के 1-to-1 कर सकते हैं, जैसे हम और ये बैठे हुए हैं। तो वो सफर एंड देन प्रेसिडेंट का सफर, तो वो कैसा था? एक चीज है वंदना जी, घर में भरा पूरा परिवार, धन संपन्न परिवार सब कुछ होते हुए भी मेरी एक जिद थी या इच्छा थी, आप कुछ भी बोल लीजिए, कि मैं चाहती थी कि आई शुड पुट इन माय परस्पिरेशन, मेरा अपना एक एक कतरा पसीने का बूंद से मैं अपने उस चीजों को बनाऊं। तो फिर मैंने एक टेबल स्पेस लिया। आई रिमेम्बर सतीश मुरारका जी के ऑफिस में, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू मनीष टोकानिया जी, जो जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, पापा के फ्रेंड थे। 4,000 रुपये हम लोग, मेरे को मैं वहाँ पर जिद करके मैंने कहा कि नहीं आपको रखना पड़ेगा। उन्होंने कभी लेने की इच्छा जाहिर नहीं की, उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, बट वो भी चाहते थे कि अरे एक लड़की है जो अपने आप को इतना करना चाह रही है, लेटर कहते सैटिस्फैक्शन। तो उनके ऑफिस में एक टेबल स्पेस लेकर मैं अपना काम चालू करी। एक क्लाइंट आता था तो वेट करता था, दूसरा आता था उसमें बिठा के मैंने अपनी जर्नी चालू की। और फिर आई मूव्ड ऑन धीरे धीरे, मैंने सपना देखा कि मेरे को बड़ा ऑफिस लेना है। एंड यू यूज्ड टू सेट अ टारगेट आल्सो। हाँ, अरे बाबा ने कहा थे एक्स अमाउंट का टारगेट कर लेती थी, आज तो 500 रुपए का काम करना। मेरा मतलब घर पे ये सोच लिया निकला कि 500 का काम तो आज मैं करके निकलूंगी। फिर धीरे धीरे इसको 1,000 रुपीज किया। अब तो सोचते हैं तो लगता है कि कैसे पॉसिबल था, और आप 1,500 का समझते हैं तो लगता है अरे क्या सोचती थी उस समय। पर इतना मेहनत, इतनी शिद्दत थी कि पता नहीं यूनिवर्स से ना वो हो जाता था। और जिस दिन नहीं होता तो मैं लगी रहती थी, फोन करना, ये करना, वो करना, करना है भाई तो करना है, काम तो करना है। क्लाइंट को समझाती थी, सर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं। तो क्लाइंट को मार्केटिंग, ये तरह से मार्केटिंग एक तरह से हो गया। एंड अगर मैंने किसी क्लाइंट को बोल दिया होता था कि 6 बजे आपको मेल मिल जाएगा, तो मेरी कमिटमेंट की मैं इतनी वैल्यू रखती थी कि 6 बजे के पहले तो उनके पास मेरा ईमेल चला ही जाए। तो मेरा धीरे धीरे इतना बड़ा गुडविल बनने लग गया कि ममता जी को काम दे दीजिए, अगर वो बोली है तो वो काम कर ही देगी। तो आई थिंक यू नो जस्ट दैट गुडविल स्टार्टेड ट्रैवलिंग, और वो काम फिर धीरे 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 मजा आने लग गया। हाँ, उसके बाद फिर मैं 2004-06 के आसपास आई मूव्ड इनटू अ मच लार्जर ऑफिस, 600 स्क्वायर फीट की ऑफिस में आई मूव्ड ऑन। कॉमर्स हाउस में ही उसी फ्लोर में मुझे मिल गया, अगेन द यूनिवर्स हेल्प्ड मी एक्चुअली, मिल गया। और फिर मैंने बहुत अच्छी ऑफिस बनाई, तो लोग आते थे और बोलते थे अच्छा सीएस की इस तरह की ऑफिस हो सकती है, एकदम कॉर्पोरेट लुक। फिर मेरे को लोग बोलने लगे इतनी बड़ी ऑफिस की जरूरत कहाँ है, तुम तो अभी 2 स्टाफ लेके बैठोगी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत जल्दी अभी ग्रो करने वाली हूँ, मुझे तो बड़ा ही चाहिए। तो लोग ऐसा भी कुछ लोग ये इन्फॉर्मेशन भी ममता जी ने दी है कि इफ यू वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर तो सबसे पहला चीज है डेडिकेशन, आपको करना है तो करना है, कोई चीज रोक नहीं सकती है। सेकंड चीज ये है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इन्होंने ऑफिस के लुक्स पे काफी ध्यान दिया, क्योंकि जब आपकी ऑफिस या जहां बैठते हैं वो अच्छा लगेगा तो आपको अल्टीमेटली वैसे वैसे क्लाइंट मिलेंगे। एम आई राइट? तो वो एक ऑफिस जो था वो एक गेम चेंजर था मेरे लिए। तो जब भले ही मेरे को 3 लोगों की जगह की उस समय जरूरत थी, बट मैंने जो जितना लिया उसमें कम से कम 20 लोग बैठ सकते थे। पर मेरा विजन था और मुझे पता था कि मुझे तो करना ही है, मुझे तो कोई पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। तो वो विजन हेल्प्ड मी, और मैं बहुत फटाफट मेरे सारे सीट्स फिल हो गए, लोग अपने आप आने लग गए कि हमें ट्रेनिंग चाहिए, हमें जॉब चाहिए। और मैं जितना आता था मेरे को लगता था कि मेरे को सब लगा देना, मेरे को भी घर के लिए कभी जरूरत थी नहीं, और मुझे अपनी स्पेंडिंग पे कभी इतना था नहीं, मेरी अपनी चाहते स्पेंडिंग वाइज बहुत कम होती थी। पैसे इकट्ठे होते थे तो मैं एक प्रिंटर खरीद देती थी, पैसे इकट्ठे होते थे तो फिर एक कंप्यूटर खरीद देती थी। और घर में हमेशा बोलते थे अभी ले लो, तुरंत ले लो, ऐसे नहीं, एक बार इसी से होना चाहिए। यू नो आई ऑलवेज फेल्ट कि अपना सेल्फ ड्रिवन, अपना तो कुछ नहीं होता है बट इट शुड बी सेल्फ ड्रिवन। है तो सब ठाकुर जी का ही, तो अपना तो कुछ है नहीं।
तो सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए. तो करते करते फिर मेरी लीडरशिप एबिलिटी, बिकॉज मैं पढ़ाती थी काफी और मैं क्लास 8 से ही पढ़ाती थी, मेरे को हमेशा क्रेज था कि मेरी अपनी पॉकेट मनी मेरे मैं खुद निकालूं, मुझे किसी पे वो नहीं करना है. तो आई थिंक दैट लीडरशिप एबिलिटी बिकॉज ऑफ माई टीचिंग स्टाइल एक्सेट्रा, जब भी कुछ लेक्चर देती थी तो लोग बोलते थे तुम बहुत अच्छा बोलती हो. तो धीरे धीरे फिर सुमित ने मुझे लॉ पढ़ाया. Okay. वो भी आप विश्वास करिए 2011. इतना साल बाद मैरिज, मैं 28 साल से तो मेरी शादी हो चुकी है. फिर मैंने लॉ पढ़ाई थी, फिर मैंने सीएस इंस्टीट्यूट की मैं प्रेसिडेंट, पहले तो मैं चेयरमैन बनी पूरे ईस्टर्न इंडिया का 2010. उस समय कोई फीमेल चेयरपर्सन ईस्टर्न इंडिया में थी नहीं अमंगस्ट ऑल द इंस्टीट्यूट लाइक सीए सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट. तो एक तरह से मुझे लोग पदवी देने लग गए कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन इन द एंटायर ईस्टर्न जोन अमंगस्ट ऑल द थ्री इंस्टीट्यूट. तो प्रॉब्लम फेस हुआ हमने, प्रॉब्लम बहुत फेस हुआ फीमेल बहुत. अच्छा, इतना भी हुआ कि लोग कमर तोड़ देते हैं आपको, आपकी कई बार जबान से और कई बार अपने बिहेवियर से. और ये शायद सबको होता है. जो इंसान इस कमर तोड़ प्रॉब्लम से अपने आप को उभार दे वही उभर सकता है, नहीं तो आप वहीं पे खत्म हो जाते हैं. ये जो चैलेंजेस आई ना, यही है जो मुझे आज बनाया है. मुझे हमेशा लगता, जब कोई रोकता नहीं है तो आगे बढ़ने का मजा नहीं है. मजा नहीं है. वो रोकते रहे और मैं बढ़ती रही, वो रोकते रहे मैं बढ़ती रही. और मैं कब इतने कदम मैंने चल लिए कि मुझे लगा अच्छा शायद अब ये शिखर पे पहुंच गई. और जब तक मैं शिखर में पहुंची मुझे तो लगा कि ये अब ये पर्वत भी छोटा है मेरे लिए, मैं तो शायद भगवान ने मुझे बड़े पर्वत में जाने के लिए बनाया. ये ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कंपनी सेक्रेटरी 2016 में आप बने, उसके बाद आप अभी प्रेसिडेंट है एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बंगाल की. तो कुछ इस जर्नी के बारे में बताइए, अचानक किस तरीके से, एंड आप काफी लेडी एंटरप्रेन्योर को आगे भी बढ़ा रही हैं, आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में. बस ये जर्नी जो आपने मुझे पूछा, 2010 में मैं पूरे ईस्टर्न इंडिया की चेयरमैन बनी, चेयरपर्सन कहते हैं फीमेल के लिए. फिर मैं 2016 में पूरे भारत वर्ष की भारतीय सचिव संस्थान ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनी 2016. तो इलेक्शन बीच में फिर से लड़ना पड़ा, हारी भी बहुत ही लो मार्जिन से. ऐसा भी हुआ कि कैसे लड़ पाऊंगी, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी, बहुत लोगों ने रोकी साड़ी वाली की, कहा साड़ी पहनती है, मारवाड़ी है, बिंदी लगाती है, नोज पिन पहनती है, भैया तुम दिल्ली जाके एक प्रेसिडेंट बनोगे, पूरे भारतवर्ष के सीएस फ्रेटर्निटी को जो कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं उनको कॉर्पोरेट्स में आप दर्शाओगे और मिनिस्ट्रीज के साथ काम करोगे तो कैसे होगा, इज शी फिट इनफ एंड व्हाई शुड वी लेट हर गो. टांग तो इतनी लंबी है नहीं, मैं थोड़ी हाइट में मेरी कमी है, पर इतनी टांग खिंचाई हुई तो शायद मैं लंबाई पकड़ी हुई. तो फिर 2016 में एक बार मैंने इलेक्शन तो पहले बीच में हारा बहुत ही कम मार्जिन से, लेकिन सुमित ने बहुत गाइड किया, वो मेरा स्ट्रैटेजिस्ट पार्टनर रहा. और जैसे जैसे उसने मुझे बताया मैंने किया, मैंने अपनी मेहनत में एक कसर भी नहीं छोड़ी और मैं 2016 में फिर नेशनल प्रेसिडेंट बनी. उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. उसके बाद मैं एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे सोसाइटी को गिव बैक करना है. 2016 में भी प्रेसिडेंट बन के मैं एक मन की बात तरह की एक चलाती थी, वीडियो ऑडियो विजुअल, उसे कहते थे हम प्रेशियस यू. उस समय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की मन की बात नहीं आई हुई थी, पर मैं अपना करती थी प्रेशियस यू. तो एक मेरे मतलब हर महीने में एक, और मैं लोगों को मोटिवेट करती थी, 4,000 से 5,000 लोग आते थे उसको सुनते थे. तो मुझे लगा कि समाज में बहुत विकृतियां हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो हार मास आपके मेरे जैसे लोगों की स्टोरीज जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसे मनन करना चाहते हैं. फिर मैं धीरे धीरे देखा कि माइक्रो और विमेन लोगों को लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना तो चाहते हैं पर कई बार जरिया नहीं मिलता है. तो मैं सोची कि वो जरिया मैं बनूं. तो आज मैं एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम वेस्ट बंगाल की प्रेसिडेंट हूँ. विद ऑल ह्यूमिलिटी आई मेंशन दिस, गॉड बहुत कम लोगों को मौका देते हैं, तो उन्होंने मुझे ये दिया है मौका. और मैं उन लोगों को बताती हूँ, मोटिवेट करती हूँ कि आप अपने आप को कैसे मोल्ड करिए, बात करिए कैसे, आप अपनी ब्रोशर्स बनाइए,
जो दिखता है वही दिखता है बिल्कुल, और आपकी अंडरलाइन एसेट तो अच्छी होनी होगी, है ना, आपकी सर्विसेज तो अच्छी होनी होगी, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो मैं आज के दिन बहुत ही माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल मीडियम तो अपने आप खड़ा हो जाता है, तो माइक्रो और स्मॉल के लिए मैं बहुत काम करती हूँ। मैं इंडिया की फर्स्ट रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ। ग्रेट। और मैं रीस्ट्रक्चरिंग का बहुत काम करती हूँ, जो लोग एकदम अपने कंपनी को डूब जाती है, जिनकी कंपनी एक तरह से, अगर कोलोकली बात करूँ सरल भाषा में, तो मैं उन लोगों को कैसे वहां से निकाल कर मेन स्ट्रीम में लाना है, वो मैं पूरा रीस्ट्रक्चरिंग करके उन्हें बताती हूँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, छोटे कॉर्पोरेट्स को। तो मेरा काम ही कॉर्पोरेट लॉ है, पर ये माइक्रो और लघु उद्योग के लिए जो मैं काम करती हूँ मेरी पैशन है। तो मैं उन्हें कैसे ऑनेस्ट बिजनेस करना चाहिए, कैसे GST रिटर्न होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, मैं उन्हें समझाती हूँ कि आपको ग्रे मार्केट में काम नहीं करना है, आपको ऑर्गेनाइज मार्केट में काम करना है, उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप खड़ा करना, उनकी ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना, क्योंकि आप काम तो कर लिए, आपके पास ब्रांडिंग ही नहीं हो रही है, तो आप 16 साल बाद 15 साल बाद भी आपको लगेगा मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तो मैं उनको बताती हूँ कैसे आप कॉर्पोरेटाइज करिए अपने बिजनेस को, ट्रेडमार्क को कैसे रजिस्टर करिए, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आप कैसे सुरक्षित करिए, आप कैसे कंपनी बना के इन्वेस्टर लाइए और कंपनी में काम करिए, सो दैट कभी आपको अपनी कंपनी बेचनी पड़े तो कम से कम आप 100 के कम से कम लाख रुपया आप उसका बना सकते हो। तो ये एक्सेलरेशन हम लोग एक टीम बना रखे हैं, अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता है, और मैं बहुत ज्यादा इंक्लूसिविटी में बिलीव करती हूँ, और मुझे एक, आप जेंडर बायस मत समझिएगा, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि मैं वुमेन के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ, और मैं करती हूँ अपने तरीके से, और मैं जहां जाती हूँ आई ट्राई टू स्प्रेड हैप्पीनेस। That was Mamta Binani from साड़ी के पल्लू से लेके प्रेसिडेंट तक का सफर, नोज पिन से लेके प्रेसिडेंट के बैच पिन का सफर सब इन्होंने निभाया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यू हैव टू कम आउट ऑफ द शेल। 3-4 बहुत अच्छी बातें इन्होंने कहा कि आप अपने डिप्रेशन से खुद मुक्त हो सकते हैं, दिस इज ऑन यू, यू डोंट नीड एनीबॉडी एल्स, जो दिखता है वो बिकता है, ट्राई टू कम आउट ऑफ योर शेल। ये सारी इंफॉर्मेशन इनकी बातों से और इनकी कहानी से हमें जानने को मिली। तो जाते जाते इनसे नए एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ हिंट जरूर लेके जाएंगे, तो ममता जी कुछ हिंट हमारे नए एंटरप्रेन्योर को जरूर दीजिए, एकदम छोटे में। अकेला काम करना बंद कर दीजिए। जिस जमाने में हम घुस चुके हैं वहां पे कोलैबोरेटिव अप्रोच और सबका साथ सबका विकास वाला जो अप्रोच है वही काम आएगा। अगर आप अकेले हैं तो जुड़िए, हमसे जुड़िए, हम आपको लाइक माइंडेड लोगों से मिलवाएंगे, क्योंकि अकेले आप ग्रो नहीं कर सकते, और छोटे बिजनेस करते करते आप अगर ग्रो कर सके तो वो ही आपका टारगेट होना चाहिए आज के दिन। और दूसरी बात, वेरी क्विकली फैमिली को निग्लेक्ट कभी मत करिए, क्योंकि वही आपका एक सहारा है और वही आपको ताकत देता है, उसको निभाते हुए भी आप बड़े बन सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। व्हाट अ इंस्पिरेशनल जर्नी इन कॉफी विद एंटरप्रेन्योर, हमें तो सुन के बहुत मजा आया और हमारा मोटिवेशन और हाई हो गया। तो आपने देखा कि हर कोई एक दिन में ही स्टार नहीं बनता। अगर आपके भी ऐसी ही कोई जर्नी है और अगर आपकी जर्नी हमें समझ में आती है और हमारी टीम उसे पसंद करती है, तो हम जरूर शेयर करेंगे आपकी जर्नी हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कॉफी विद एंटरप्रेन्योर। टिल देन थैंक यू।